हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को आलू की फ्रेंच फ्राइज नए तरीके से मैं बता रही हूँ कि इसमें कम ऑयल और कम टाइम में ये बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है। तो ये मैं आलू को छील ली हूँ, इसको छील ली हूँ। बहुत ही है नया आलू है, इसका इसलिए कवर निकाल जाता है। देखिए ऐसे फटाफट इसमें आपको एक नया क्या करना है कि इसको डालना है और ये दो मिनट इसको इसमें स्टीम लगा देना है आपको। देखिए ये जैसे मैंने स्टीम लगा दिया, अब इसमें क्या हो गया, ये आलू बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया, ये सॉफ्ट हो गया है देखिए बिल्कुल। अब मैं इसको निकाल करके थोड़ा सा ठंडे पानी से थोड़ा सा स्लाइटली वॉश करूंगी, डाल दी हूँ। बॉइल नहीं करना है, बस स्टीम लगाना है। दो मिनट के लिए आपको स्टीम लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपको ऑयल भी कम लगेगा, ये कम ऑब्जर्व करेगा जो बेसन जो आपने दिया है। देखिए इसमें थोड़ा सा इसको मैं हीट होने देती हूँ, हीट डाल करके चेक कर लेती हूँ। बेसन में मैं थोड़ा सा बेसन और इसमें थोड़ा सा सूजी मिक्स कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये कुरकुरा बनेगा इसमें, और थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, मिर्ची पाउडर इसमें ऐड किया है मैंने। देखिए इसमें एक डाल करके चेक कर लेती हूँ। अभी हमारा ऑयल अभी उतना हीट नहीं हुआ है, दो मिनट वेट करना होगा। इसमें मैं इस कढ़ाई में बना रही हूँ कि ये कितना भी काला कुछ भी इसमें होता है तो मैं अक्सर पकौड़ा वगैरह मैं इसी में बनाती हूँ, ज़्यादातर इसमें पता नहीं चलता है और जलता नहीं है, जलता भी नहीं है जल्दी। आपको कम सेम फ्लेम पे आप करो बनाओ तो आराम से ये अच्छे से पकेगा भी और जलेगा नहीं। ये देखिए ये हमारा फ्रेंच फ्राइज 2 से 3 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बना करके दिखा रही हूँ। देखिए इसमें आपको कम टाइम लगेगा, 2 मिनट आपको उधर लगेगा जरूर, बट आपको इससे जल्दी बन जाएगा और ये तेल ज्यादा ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, ये इसमें आप इजीली बन जाता है, तुरंत सीध जाता है, इसमें पकने में टाइम नहीं लगता है। देखिए और बरसात के मौसम में, विंटर सीजन में आप कभी भी अपने घर में बैठ करके बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, बनाइए, ट्राई कीजिए। ये चाट मसाला इसमें आप जरूर डाल देना थोड़ा सा, और 2 मिनट आप इसको स्टीम जरूर लगा देना, बिफोर कट करने के बाद इसको 2 मिनट स्टीम लगा देना है। इसमें बेसन में थोड़ा सा सूजी डाल देने से ये कुरकुरा बनेगा, देख लीजिए। मैं इसको भी रेडी कर लेती हूँ। देखिए ये कितना आलू जो है कितना सॉफ्ट हो गया है,
तो अगर ज़्यादा हम इसको बॉईल करेंगे तब तो ये टूट जाएगा, फिर फ़ायदा नहीं, मज़ा नहीं है। तो इसको हमें पीस को पूरा साबुत रखना है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्टीम लगाया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रेंच फ्राइज बन के रेडी है। देखिए, तो लीजिए हमारा फ्रेंच फ्राइज और चटनी बन करके रेडी है। इसमें मैं ये मोमो चटनी बना दी हूँ। तो मोमो चटनी जो कि मैं शायद आपको पहले बता चुकी हूँ, टमाटर और मिर्ची का, और उसमें ये लहसुन, उसको बॉईल करके और फिर उसको मैंने पीस दिया है। तो उसके साथ खाइए, बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए और बताइए कि ये कैसा रेसिपी आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइए।